योगा सारे विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। और आपको पता है कि योग का इस स्वरूप देने के पीछे वो कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्वरूप को दुनिया के सामने रखा? भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में कुछ नियम और कुछ आसनों के बारे में बताया। इसके अलावा अलग अलग महर्षि और विद्वानों ने इसके बारे में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने योग के बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया। लेकिन यदि हम वास्तविकता में योग को पूर्ण स्वरूप देने की बात करें तो महर्षि पतंजलि ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग को पूर्ण स्वरूप दिया, इसलिए पतंजलि को ही योग का जन्मदाता माना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग 8 नियमों में बांधा हुआ है, या कह सकते हैं कि योग अष्टांगी है जिसके 8 अंग हैं, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वास्तविकता में योग अपने आप में शरीर को स्वस्थ रखने का न केवल एक साधन है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भी एक साधन है। जब हम यम से लेकर साधना और समाधि तक का सफर तय करते हैं तब हम पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके होते हैं। यानी कि हमारे धर्मों में वाराणसी में मृत्यु के बाद जो मुक्ति की बात कही गई है, वही बात योग में समाधि के बाद आपको प्राप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी योग के विषय में आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।